पीएम मोदी आज शाम को कानपुर में रोड शो करेंगे। कानपुर के गुमटी गुरुद्वारा से फजलगंज तक पीएम मोदी का रोड शो होगा। पीएम मोदी के रोड शो में सीएम योगी भी शामिल होंगे। तो रोड शो के दौरान कानपुर में पीएम के लिए जगह जगह पर स्वागत की तैयारी की गई है। पीएम मोदी शाम को 5:15 बजे चकेरी एयरपोर्ट पर उतरेंगे और वहां से जीटी रोड होते हुए गुमटी गुरुद्वारा आएंगे। गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद सिख समाज के लोगों से भेंट करेंगे और फिर गुमटी से रोड शो शुरू होगा। तो आज शाम को पीएम मोदी का भव्य रोड शो देखने को मिलने वाला है। गुमटी गुरुद्वारा से ये रोड शो शुरू होगा और फजलगंज तक ये रोड शो जाएगा। लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं पीएम और कानपुर और अकबरपुर के लिए यहां पर चुनाव प्रचार किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में दूसरे राज्यों में भी सीएम योगी की भारी डिमांड है और सीएम योगी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आज गुना में केंद्रीय मंत्री और गुना से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रचार करेंगे। गुना लोकसभा क्षेत्र के अशोक नगर में 11:00 बजे सीएम योगी की जनसभा होगी और सीएम योगी आज गुना में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फर्रुखाबाद और कन्नौज में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां पर करीब 3 बजे फर्रुखाबाद पहुंचेंगे और रामलीला मैदान कमालगंज में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। फर्रुखाबाद के बाद सीएम योगी कन्नौज जाएंगे। कन्नौज में जनसभा को संबोधित करने के बाद सीएम योगी कानपुर जाएंगे और पीएम मोदी के रोड शो में शामिल होंगे। तो काफी मान मनोवल के बाद राहुल गांधी रायबरेली से पर्चा भर चुके हैं, लेकिन इस पर्चे के बाद चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर राहुल गांधी ने अमेठी को क्यों छोड़ा, आखिर अमेठी से अलग उन्होंने रायबरेली को क्यों चुना, क्या सिर्फ विरासत की सियासत को बचाने के लिए यह फैसला लिया गया। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी के लिए रायबरेली की राह इतनी भी आसान होगी। हम सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। लेकिन अमेठी से भी इतने डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई। और जनता भी ये जानती है रायबरेली की, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार के आखिरी दुर्ग को बचाने के लिए राहुल गांधी वायनाड से सीधा रायबरेली में लैंड कर चुके हैं। मां सोनिया गांधी से मिले सुरक्षा कवच पहने राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन दाखिल कर चुके हैं और इसी के साथ एक बार फिर राहुल गांधी नाना करते करते यूपी से चुनाव लड़ बैठे हैं। राहुल गांधी के नामांकन की ये तस्वीर बेहद खास है, क्योंकि इस तस्वीर में सोनिया गांधी को अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। विश्वास इसलिए क्योंकि जिस सीट पर सोनिया गांधी कभी चुनाव नहीं हारी, जो सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है, साल 2004 से लेकर 2019 तक यहां से सोनिया गांधी सांसद रही। यहां से फिरोज गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक सांसद रह चुकी हैं। साल 2019 में अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव हारने के बाद रायबरेली सीट ही यूपी में कांग्रेस का आखिरी किला बचा हुआ है। उस विरासत की सियासत को अमेठी के बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली भी राहुल गांधी के नाम कर दिया। ऐसे में राहुल गांधी पर इस बार जबरदस्त पॉलिटिकल प्रेशर है और रायबरेली भी राहुल गांधी के लिए आसान नहीं है।
इसे समझने के लिए पिछले चुनाव के वोट प्रतिशत को समझना होगा। वोट प्रतिशत की बात करें तो 2009 में कांग्रेस 71%, बीजेपी 3.82% पर थी। 2014 में कांग्रेस 63%, बीजेपी 3 से 21.05% पहुँच गयी। 2019 में कांग्रेस 55% तो बीजेपी 21 से 38.39% पर चली गई। 2014 और 2019 में मोदी लहर के बावजूद भले ही बीजेपी रायबरेली सीट कांग्रेस से नहीं झटक सकी हो, लेकिन रायबरेली लोकसभा सीट पर लगातार बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगातार कम हो रहा है। ऐसे में आखिरी ओवर में सियासी मैदान में उतरे राहुल गांधी सेफ सीट पर भी सेफ महसूस नहीं कर रहे होंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह किस तरीके से लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। सर, ऐतिहासिक दिन। बिल्कुल, रायबरेली के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। निसंदेह रायबरेली के एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस काबिल समझा और रायबरेली की जनता भी अपने सेवक के सम्मान में पूरी तरह से सड़कों पर दिखाई दे रही है। महसूस हो रहा है कि राहुल गांधी जैसे धोखेबाजों को अब की रायबरेली की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी और कमल खिलाएगी। हालांकि रायबरेली में बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह साल 2019 में भी रायबरेली सीट से सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह पर अपना भरोसा जताया है। लेकिन इस सीट पर अंदर खाने बीजेपी से कई और चेहरे भी थे जो अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि जिस तरह वोट प्रतिशत के आंकड़े राहुल गांधी के लिए शुभ संकेत नहीं, वैसे ही बीजेपी में अंदरूनी घमासान भी कुछ और ही इशारे कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।